और सब गाइस यार क्या हालचाल है तुम सभी लोग। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, जिसमें हम लोग काफी ज्यादा खतरनाक सा बिल्डिंग वगैरह करेंगे। यार लेट्स स्टार्ट। चलते चलते यार मुझे एक विलेज दिख जाता है जो कि काफी ज्यादा गरीब था, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा मिला नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के हम लोग को इस विलेज से काफी ज्यादा मदद मिल जाए। यहाँ पर यार मुझे एक आयरन गोलेम भी दिख चुका है जिसको मैं आगे जाके मारूंगा और इससे आयरन ले लूंगा भाई साहब। फिर यहाँ पर हम लोग को विलेज ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा देर हो गया था, जिसकी वजह से रात हो गया और मैंने इस विलेजर को बेड से हटाया और भाई मैं अपना बेड पे सो गया भाई साहब। लेकिन अभी दोबारा से दिन हो चुका है और यहाँ पर मुझे एक आयरन गोलम दिख गया जिसको मार के मैं आयरन लेने का सोच रहा हूँ। फिर जैसे ही मैंने इसको मारा यार इसने मुझे काफी दूर उठा के पटक दिया। फिर मैंने अपने लिए सेफ्टी के लिए कुछ हेबेल से मतलब कुछ जुगाड़ बनाया। उसके बाद इस आयरन गोलम को मैं मतलब पूरा बुलाने लगा भाई साहब, ये एग्रेसिव होकर आने भी लग गया। गोलम को मैंने मार तो दिया था भाई, लेकिन इससे मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे पे कुछ ज्यादा चीज था नहीं इसको मारने के लिए। फिर मैं इसको हाथ से मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि भाई मुझे आयरन का काफी ज्यादा जरूरत था। इसको जैसे ही मैंने मारा भाई इसने एक रोज और एक आयरन ड्रॉप कर दिया जिससे मेरा काफी ज्यादा मदद हो जाएगा भाई आयरन का टूल वगैरह बनाने में। फिर यार मैं यहाँ पर मतलब अपना एक बढ़िया सा घर ढूंढने लगा जहाँ पर मैं अपना बिल्डिंग वगैरह करूंगा, मतलब अभी मैं परमानेंटली नहीं टेम्पोररी रहूंगा इसी घर में, ताकि मतलब मैं आगे चल के काफी ज्यादा बढ़िया सा घर बना पाऊँ। मतलब इस घर में मैं अपना सामान वगैरह रखूंगा। फिर मैंने इस घर को काफी ज्यादा बढ़िया करके ठीक वगैरह कर लिया, काफी सारा बेसिक चीजें रखा है मैंने इस घर में, जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल हो गया और बेड हो गया। अभी आगे चल के मुझे चेस्ट भी बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी यार मेरे पास कुछ चीजों का कमी है तो पहले उसी चीज को बना लेते यार जिस चीज का कमी है। तो पहले यार मेरे को काफी सारा स्टिक चाहिए उसके लिए, मतलब यार स्टिक से हम लोग आगे चल के काफी सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि पिकेक्स हो गया और स्वॉर्ड हो गया। स्वॉर्ड एक है मेरे पे लेकिन वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर हम लोग को अगर आयरन चाहिए होगा तो, अगर हम लोग को आयरन माइन करना है तो हम लोग को मतलब यार स्टोन का पिकेक्स चाहिए होगा, तो स्टोन का पिकेक्स हम लोग फटाफट से बना लेंगे। यार पहले हम लोगों ने स्वॉर्ड बनाया है और अभी पिकेक्स का बारी है भाई, पिकेक्स भी बना लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग फटाफट से जाएंगे यार माइनिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि यार हम लोग को मतलब स्टोन वगैरह का काफी ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग को घर बनाना है बढ़िया करके तो हम लोग को स्टोन चाहिए होगा यार, इसके लिए हम लोग को माइनिंग करने जाना पड़ेगा। लेकिन यार केव वगैरह में काफी ज्यादा अंधेरा रहता है, तो मैंने फटाफट से काफी सारा टॉर्चेस बना लिया जिसकी मदद से मुझे केव में दिख जाएगा यार थोड़ा बहुत, मतलब कुछ तो हेल्प हो जाएगा। ज़ॉम्बी वगैरह वरना बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं। मेरे पे काफी सारे व्हीट वगैरह भी पड़े हुए थे जिससे मैंने काफी सारा ब्रेड बना लिया भाई, जिससे आगे चल के कुछ तो हेल्प हो जाएगा भाई मेरा। फिर यार यहाँ पर मैं केव में आ गया जो काफी ज्यादा डीप था भाई, इसके अंदर जाने में मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन यार अगर हम लोग को आयरन चाहिए तो भाई आयरन के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा यार। फिर मैं जैसे ही केव के अंदर आया भाई मुझे आता है यहाँ पर काफी सारा चीजें दिख गया, जैसे कॉपर दिख गया और आयरन दिख गया भाई। ऐसे कॉपर कुछ अपना ज्यादा काम आने वाला नहीं है भाई साहब, फिर भी मैं कॉपर को माइन कर लेता हूँ क्योंकि भाई आगे जाके पता चले कि कॉपर का काम हो और मेरे पे कॉपर ही ना हो भाई साहब। फिर यार यहाँ पर मैंने काफी सारा कॉपर वगैरह माइन कर लिया भाई, इतना तो एनफ था। फिर मेरे पे काफी सारा आयरन का कमी था तो यहाँ पर मैं आयरन ढूंढने के लिए निकल गया। आयरन तो मुझे मिल गया भाई, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ा मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई इसमें। यहाँ पर मुझे काफी सारा आयरन वगैरह भी मिल चुका था भाई, पूरा केव के अंदर धमाका कर दिया था मैंने। फिर यार यहाँ पर मैं केव के अंदर से निकल गया और अभी कुछ चीजें वगैरह बनाने वाले हैं हम लोग। मेरे पास अभी मोर देन एनफ आयरन था तो यहाँ पर मैंने फर्नेस बना लिया ताकि मैं उसको मेल्ट कर पाऊँ भाई साहब। यहाँ पर मैंने मतलब टोटल 3 फर्नेस बनाया है क्योंकि यार ये अपना मतलब टेम्पोररी घर है, इसमें ज्यादा कुछ बना के भी फायदा नहीं है। वैसे भी तोड़ के उसको अपना मतलब नया घर पे ले जाना पड़ेगा। इसी वीडियो में हम लोग अपना नया घर बनाएंगे भाई साहब, पूरा खतरनाक अचीवमेंट कर देंगे एक ही वीडियो में भाई। यहाँ पर मैं फर्नेस के अंदर हेबेल डालने का कोशिश कर रहा था भाई, लेकिन अपना मतलब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फिर यार यहाँ पर मैंने एक फेंस डाला जो कि अपना काम बन गया जिससे, और यहाँ पर मैंने 15 आयरन डाला तो टोटल भाई मतलब इसको मैं मेल्ट करना चाह रहा था तो ये तो मेल्ट हो जाएगा भाई एक फर्नेस के अंदर। अभी दूसरे फर्नेस के अंदर हम लोग और भाई स्टिक डाल रहे हैं और यहाँ पर भाई मैंने मतलब और आयरन डाल दिया ताकि मतलब फटाफट से भाई मेल्ट हो जाए यार अपना, तो वेट करते हैं जल्दी से अपना आयरन मेल्ट होने का भाई। आयरन तो यार अपना पिघलते रहेगा क्योंकि उसको मैं फर्नेस के अंदर डाल के आ चुका हूँ। लेकिन यार अगर मुझे काफी ज्यादा तगड़ा और स्टाइलिश सा घर बनाना है ना तो मुझे काफी सारा कोबलस्टोन वगैरह चाहिए होगा, तो मैं फटाफट से माउंटेन पे आ चुका हूँ काफी सारा कोबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए। भाई यहाँ पर मुझे इतना कोल मिला है ना भाई, मतलब पूरा अपना विलेज का टॉर्च बन जाएगा भाई, इतना सारा मुझे कोल मिल गया यहाँ पर। तो जो आयरन अपन ने फर्नेस में डाला था भाई वो सब मतलब पूरा मेल्ट हो चुका था, फिर इससे हम लोग अपना आर्मर वगैरह बनाने वाले हैं। फिर यहाँ पर भाई देख ही पा रहे हो मैंने काफी सारा खतरनाक सा आर्मर वगैरह बना दिया है, और आर्मर पहनने के बाद भाई अपना कैरेक्टर कुछ ऐसा लग रहा है भाई, क्या ही खतरनाक लुक आ रहा है भाई। अब कोई भी ज़ॉम्बी अपने को मार नहीं सकता है भाई साहब, कोई भी ज़ॉम्बी अगर अपने को मारने आएगा भाई उसका पूरा हालत टाइट हो जाएगा यार। यहाँ पर भाई रात हो चुका है तो मैं फटाफट से सो गया ताकि भाई रात को स्किप कर पाऊँ। मैं आज मैं दोबारा आ चुका हूँ भाई इस माउंटेन पे ताकि मुझे काफी सारा कोबलस्टोन वगैरह मिल जाए यार, कल तो मैं अपना कोल माइनिंग करते ही रह गया था और भाई मुझे कोबलस्टोन का ध्यान ही नहीं रहा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं भाई एक खतरनाक सा क्लच, और भाई क्या ही क्लच कर दिया है भाई मैंने। तो अभी मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ भाई क्योंकि मुझे एक चीज का जरूरत पड़ गया। मेरे पे जो मतलब आयरन का पिकेक्स था जो कि भाई यार टूट गया था अपना कोबलस्टोन माइन करते करते, तो मैं फटाफट से आ गया अपने घर पे दोबारा इसको क्राफ्ट करने के लिए भाई। फिर फटाफट से मैंने विलेज के पास एक जगह ढूंढ लिया जहां पर यार मैं अपना घर बनाने वाला हूँ, पूरा कोबलस्टोन से ही बनाएंगे भाई अपना घर। यहाँ पर यार कोबलस्टोन से मैं पूरा बेस वगैरह देने वाला हूँ ताकि यार क्रीपर वगैरह
अगर फ्यूचर में कुछ करे तो हम लोग को कुछ ज्यादा डैमेज ना पड़े भाई। घर अपना लगभग 80% कंप्लीट हो चुका था भाई सब, क्या ही लुक आ रहा था अपने घर का। लेकिन अभी तक मुझे अपना घर इतना ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि भाई मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था। अभी कंप्लीट करने के लिए मैं इसमें लीफ से कुछ डिजाइन देने वाला हूं, तो मैं फटाफट से गया जंगल में और काफी सारा लीफ कलेक्ट करके ले आया। और यहां पर भाई मैंने अपना घर का सामने भी पूरा क्लियर कर लिया है। अभी अपना घर पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है और भाई अभी मैं आप लोगों को पूरा घर का आउटपुट दिखाने वाला हूं। भाई क्या ही लुक आया है भाई साहब, एक नंबर यार भाई, मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई अपना घर। यहाँ पर भाई मैंने काफी सारा कारपेट वगैरह भी बिछा दिया है भाई, जिससे पूरा अपना खतरनाक सा लुक आएगा भाई अपने घर का। पीछे मैंने बड़े बड़े 3-4 पेड़ लगा दिए थे भाई, जिससे लुक नेक्स्ट ही लेवल का आ रहा था। अगर आप लोग चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 50 लाइक्स और होपफुली आप इसको कंप्लीट करा दोगे। और आप इस घर को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।